मथुरा का BSA इंजीनियरिंग कॉलेज रोड, आपको याद है ना? अभी इस रोड की कृष्णा विहार कॉलोनी में विगत रविवार शाम को क्या हुआ था? जी हाँ, पिछले से पिछले रविवार को यहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने शासन प्रशासन सहित क्षेत्रवासियों को हिला दिया था। और अब देखें अब क्या चल रहा है कृष्णा विहार में। अब देखिए, अब सब लोग सब बेकार हो गया, सब कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं आ रहे, कोई भी नहीं आ रहा। देखो, एंटर होते ही शिकायत सी कर रहे हैं, उलहना सा दे रहे हैं, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। और ये अपने हाथ से ये मलबा अपना उठा रहे हैं और ये यहाँ पर डाल रहे हैं। और इन्होंने कहा कि कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, हम तो आ रहे हैं। हम देर से कहाँ आए हैं, सबसे पहले आने वालों में हैं हम। किधर चले गए? हम सबसे पहले आए थे जब यहाँ पर हादसा हुआ था और हम भी हिल गए थे। हम भी हिल गए थे। हाँ, अब क्या करवा रहे हैं, उसमें मुआवजा दिलवा दो, इनका नुकसान हुआ है लोगों का। तो अभी तक नहीं मिला है? नहीं कुछ भी मिला है। हाँ, मगर यहाँ के सारे आदमी भाग गए हैं, कोई आदमी काम करने वाला नहीं है। कोई आदमी कितना दुखी है, या कोई लेबर भी काम करने वाली नहीं है। ये देखे, अपने हाथ से लेना मेहनत करके पूरी मिट्टी को साफ किया जा रहा है, मगर किसी आदमी में ये नहीं है कि लेबर लगा के इसको पहले साफ कराया जाए। लोग बाग कितने परेशान हैं। और आज कितने दिन हो गए? आज 12 दिन हो गए सर, 13 दिन है, 13 दिन हो चुके हैं। ना तो पानी की सप्लाई है, ना नाली रोड बन रहे हैं, और अभी ना ही उनका जिनका नुकसान हुआ है उनका मुआवजा मिला है, घायलों को नहीं मिला है कुछ भी, घायलों को और जिनकी नुकसान की भरपाई। मृतक आश्रितों को जो कहा गया था, मृतक आश्रितों को सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला, DM साहब ने थोड़ा बहुत उन्हें मदद दे दिया। अच्छा, DM ये सच्ची कहानी है क्या? हाँ, DM साहब ने दी है मदद। तो DM साहब जो है वो शासन से अलग है क्या? वो मुझे नहीं पता, वो उन्होंने कहा था शासन प्रशासन का जो आएगा मुआवजा वो अलग आएगा, ये मैं अपनी निधि से दे रहा हूँ। मतलब अपनी तरफ से तो नहीं दिया होगा उन्होंने, उन्होंने भी शासन को भेजा होगा कुछ ना कुछ। हाँ, मतलब ये फौरी राहत उन्होंने दी। हाँ, तो जो कितनी भी है, उन्होंने शायद 4 लाख रुपए दिया है। 4 लाख रुपया दिया है मृतक आश्रितों को, जबकि मृतक तो 3 हुए ना? 3 हुए, 2 को मिलाया, अभी तीसरे की हॉस्पिटल से बॉडी आई थी इसलिए नहीं मिल पाया अभी। अच्छा, तीसरे को नहीं मिल पाया है। चलिए, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं अंकल जी, मम्मी ने कह दिया, मम्मी जी हैं। वेरी नाइस। और मम्मी है तो मम्मी सही बात है कि मम्मी ने जब कह दी तो वही बात है। आज इतने 13 दिन होने के बाद, हाँ हाँ, 13 दिन होने के बाद यहाँ कोई आदमी सही ढंग से सुचारू रूप से काम करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि मैंने नगर हाउस टैक्स नगर निगम वाले हैं, जो क्या नाम है इनका, वाटर टैक्स वाले, जिनके मैंने भी कंप्लेंट करी कल, कह रहे साहब काम चल रहा है, काम हो जाएगा। अब यहाँ लेबर सारी, कोई भी लेबर यहाँ करने के लिए तैयार नहीं है, कोई लेबर काम करने के लिए तैयार नहीं है, सुचारू रूप से अपने हाथ से लगे हुए हैं। अच्छा, उनकी 13 ही हो गई? नहीं, अभी 13 ही नहीं हुई है, कल की है 13। कल तो क्यों लेट क्यों? लड़की की आज की होगी और उसके लड़की की कल की हो गई होगी। अच्छा, उनके यहाँ जो आज बुड्ढा जो खत्म की हो, नहीं छोकरी जी, हाँ, 13 जो कल जी है। अच्छा, इसमें बोल रही है ये है कल की है, कल की है। हाँ, एक हो गई होगी, एक मतलब हो गई होगी, एक उनकी है बाबा खत्म हो गई, उनकी कल की है। पता नहीं चला आपको कि यहाँ पे 13 ही हुई? नहीं हुई, कल होगी 14 तारीख को, या 14 आज। और ये देखिए, ये वो स्थान है, हाल तो बुरा है यहाँ पर। देखिए, ये आसमान है और यहाँ पर टंकी थी, और अब ये खुला मैदान है ना। और ये यहाँ पर बाइक पर बैठी हैं, आप खुद ही बता रही हैं, हमको बताने की जरूरत ही नहीं है। और पीछे ये मलबा है, ये गिरा है मकान, ये इसी से गिरा था, इसी से गिरा है। हाँ, टंकी से उड़ गया ये मकान, टंकी से उड़ गई पंकी, पंकी से उड़ गए टैंकर, टैंकर से उड़ गई पूरी टंकी। स्थिति बड़ी दयनीय है योगेश भैया, स्थिति बड़ा मामला गंभीर है, और आनंद लेने वाले आनंद ले रहे हैं, स्थिति बहुत, आप देख रहे हो क्या मामला है यहाँ पे। अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे कम से कम 12 आदमी तो सस्पेंड हो चुके हैं, और जांच चल रही है SIT से,
गहराई हो रही है, ये टंकी कैसे नीचे टूट गई, क्या हो गया इसमें, क्या मामला? अच्छा, 12 लोग सस्पेंड कौन कौन से हो गए? 12 लोग यहाँ के जो जल निगम के थे, नगर निगम के थे, 12 लोग सस्पेंड हो चुके हैं, कुछ लोग बर्खास्त हुए हैं। बर्खास्त भी? हाँ, गहराई से कुछ जेल भी जा चुके हैं। अच्छा, हाँ, बड़ा मामला चल रहा है, SIT ने इन पे बहुत जमा उतार दिया इनका। अच्छा, हाँ, तो कुल मिलाकर कार्यवाही तो चल रही है? चल रही है, बहुत वेरेंट से चल रही है। DGP आ गए हैं, मनोज जी आ गए हैं, इनका जमा उतार दिया जाएगा। मुख्य सचिव जी, जी जी जी, ये कहाँ पर आए? ये वृंदावन आए। वृंदावन आए जी, आप भी आए थे उस वहाँ पे कुछ बात हुई? हाँ, बात हुई इस विषय में। वो इसी विषय में आए और थोड़ा देखा भी और उन्होंने जांचा भी। यहाँ तो नहीं आए वो? यहाँ नहीं आए, वहाँ डायरेक्टली वहाँ आए, वहीं पे वहीं वार्तालाप हो गए, कुछ प्रायरिटी पे हुई बातें कुछ। अच्छा, हाँ हाँ, मैं भी था वहाँ पे। आप भी थे? हाँ जी जी, और आप भी थे वहाँ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो क्या रहा कुल मिलाकर? कुल मिलाकर ये आज दयनीय स्थिति रही है और बहुत मामला गंभीर रहा। मतलब है, वो निर्देश देकर गए हैं मुख्य सचिव टंकी हादसे के संबंध में भी स्थानीय प्रशासन को। बिल्कुल। और यहाँ पर अब नजर आ रहा है, जब हम यहाँ पर बिल्कुल शांत चित्त होकर आए हैं, पहले हम हड़कंप की स्थिति में यहाँ पर आए थे, पहले जब हादसा हुआ था तब आए थे, तब तो भारी कोहराम मचा हुआ था यहाँ पर। उसके अगले दिन भी यहाँ पर काफी लोग अपना रोष प्रकट कर रहे थे, तो स्थितियाँ साफ नजर नहीं आ रही थी। अब देखिए साफ नजर आ रही हैं, एक ये टूटा हुआ मकान यहाँ पर नजर आ रहा है और एक टूटा हुआ मकान ये देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये मकान और कितने टोटल मकान कितने क्षतिग्रस्त हुए हैं? 14 हैं, 14 मकान हैं, जिसमें 7 मकान ऐसे हैं जो इनकी वो मकान करके बंद करके चले गए। अच्छा, हाँ, स्थिति उनकी बड़ी दयनीय है, बाहर बारी खराब है इनकी। देखो मकान बंद हैं, देखो 1, 2, 3 से वहां से स्टार्ट कर लो, कितने आदमी बंद हैं यहाँ पर जी। और ये इधर हम थोड़ा सा ये दुकान खुल गई है और ये देखिए हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं यहाँ पर, अभी वही दृश्य हैं। कुछ आप बताना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? अब आपकी दुकान यहाँ पर चल रही है सही ढंग से? चल रही है, ऐसी चल रही है, ऐसी चल रही है। मतलब यहाँ के लोग जो हैं अभी खरीदारी कम कर रहे हैं? नहीं, सामान भी नहीं है, लेकर आ जाएंगे, सामान तो सारा बह गया। सामान बह कहाँ गया? पानी में सब खराब हो गया, सब रहा पानी बह गया, दुकान का सामान सब है खराब, दुकान दाल मसाले सब बह गए, सब बह गए, सब बह गए, हमारे तो गाड़ी टूट गई, सब बह गए, सब मकान हिल गया। तो कुल मिलाकर ये है स्थितियाँ, आपने देख ली कि ये स्थितियाँ हैं और सब कुछ सुन लिया है। अब हम कुछ कहें यह उचित नहीं होगा, सब कुछ कहने वालों ने कह दिया है, दृश्यों ने बता दिया है सब कुछ। पानी आज तक आ नहीं रहा है, ये इनका भी मकान क्षतिग्रस्त है। अब इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो गुड़िया बताएगी। गुड़िया तुम बता दो कि क्या होना चाहिए अब यहाँ पर, जल्दी से बता दो। यहाँ पर पानी आने से लाइट की तो आई गई है लेकिन लाइट नहीं आ रही है, आ तो रही है, कम आ रही है, चले जा रही है, काट दे रहे हैं बार बार। अच्छा, बार बार काट दे रहे हैं, पहले नहीं काटते थे? नहीं, पहले नहीं जाती थी, अब 2-2 घंटे के लिए चले जाती है लाइट, पानी भी नहीं आ रहा, टैंकर भी कम आ रहे हैं। और ये पानी की समस्या तो केवल कृष्णा विहार की नहीं है, आसपास की दर्जनों कॉलोनियों की समस्या उत्पन्न हो गई है इस हादसे के बाद, यहाँ पर हुए हादसे के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो पानी की टंकी थी वो गंगाजल परियोजना की टंकी थी और उस टंकी से न सिर्फ BSA इंजीनियरिंग कॉलेज रोड वरन महोली रोड की कॉलोनियों को पेयजल की आपूर्ति होती थी, अब लोग तरस रहे हैं पेयजल के लिए, भटक रहे हैं, ऐसे देखिए जैसे ये अपनी बोतल लेकर निकले हैं, ऐसे ही दर्जनों कॉलोनियों के लोग अपने लिए पेयजल की व्यवस्था करने में लग जाते हैं। पानी नेको ना आरो, अब खारो भी ना आरो का अच्छा, यहाँ पर गंदगी भी हो रही है, नाली यहाँ भरी हुई है यहाँ की, अभी देख लो भैया, यहाँ पर जब हादसा हुआ तब तो यहाँ पर बहुत सारा कोहराम था, ये लाओ वो लाओ, ये कराओ वो कराओ, अब कहीं कोई नहीं है, शादियाँ हो रही है।
मामला बढ़ा देनी है। भैया आप देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे, हम तो बड़ा ये देखते हैं कि एक ये जो देखा है बस भगवान से ये कहते हैं। अब ये है कि खेलने का स्थान, अब देखो यहाँ पर अब जल्दी से जल्दी ऐसा पार्क होना चाहिए जैसा पार्क जवाहर बाग में बन गया। जी 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 जी। अब यहाँ पर नुकसान तो हुआ है लेकिन घोंसले का निर्माण भी होना चाहिए, घोंसले से घोंसले का फिर निर्माण होना चाहिए। बच्चे खेलेंगे कूदेंगे आराम से रहेंगे, खेलने की जगह नहीं है बच्चों के लिए बिल्कुल। हाँ वो जरूरी है और वो जगह इस टंकी ने घेर ली थी। अब टंकी का कब्जा तो हट गया है और लेकिन अभी टंकी की व्यवस्था होनी बाकी है और इस जगह का सौंदर्यीकरण होना बाकी है जो होना चाहिए। तो अब बोल दे बंसी वारे की, बोलो राधा रानी की, और आज की सच्ची कहानी की जय।